फर्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लाइव है सारे और भाई समझ लाइव जैसा मैं क्या इवेंट है और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को इसके लिए कोई बढ़िया मैच चाहिए तो भाई इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का समझ लाइव 2021 का मैच पुट आउट किया भाई इसलिए रोमन रेंस और जॉन सीना भिड़ रहे तो भाई क्यों ये सारी थिंग हो रही है और भाई कौन जीत सकता है रोमन रेंस या फिर जॉन सीना इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले वीडियो के अलग टॉपिक रहने वाले तो ये होने वाला है गाइस रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना माय विनर प्रेडिक्शन इसके बारे में बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो को लास्ट तक देखना तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जॉन सीना के जॉन सीना अगर जीते तो भाई काफी अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू एक मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि भाई फैंस आ चुके हैं जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि भाई लाइव फैंस आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के पास काफी अच्छा समय काफी बढ़िया मौका है और भाई जॉन सीना भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और भाई स्टिल जॉन सीना एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच काफी अच्छा रिलेशन है और भाई जॉन सीना एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं और भाई जॉन सीना एक ऐसे लेवल का स्टार है जो कि भाई कुछ भी कर सकते हैं और भाई काफी बढ़िया वो रेटिंग्स ड्रॉ करते हैं ऐसे नहीं कि भाई अपने रूमर्स कुछ रेटिंग्स ड्रॉ नहीं करते भाई रूमर्स भी कुछ रेटिंग अलग ही पहुंचा देते हैं बट जॉन सीना का भी लेवल ही कुछ ऑल है और भाई बट रूमर ऐसे जॉन सीना के मैच के अंदर मे बी अगर जॉन सीना यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं तो भाई ये काफी बढ़िया चीज हो सकती है और भाई जॉन सीना जीते तो भाई जॉन सीना के नाम पर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नाम का रिकॉर्ड हो जाएगा जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हिस्ट्री के अंदर एक भी सुपरस्टार के नाम के ऊपर नहीं है रिक फ्लेयर के पास रिकॉर्ड है बट अब रिक फ्लेयर 17 टाइम चैंपियन नहीं हो सकते बट जॉन सीना का 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का जो रिकॉर्ड है वो जॉन सीना हमें तोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और भाई जॉन सीना बन जाएंगे फर्स्ट टाइम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और भाई जॉन सीना रेसलमेनिया 36 के बाद 1.5 साल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ चुके और भाई समझ लें जैसे एक मेगा इवेंट जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू करना चाहती है रेसलमेनिया से भी बढ़कर इवेंट तो भाई इसके लिए रोमन रेंस एंड जॉन सीना के मैच के अंदर भाई एक न्यू चैंपियन मेन इवेंट के अंदर क्राउन होना ये भाई काफी तगड़ी चीज हो सकती है बट अब मैं बात कर लेता हूँ रोमन रेंस के विनिंग थिंग के बारे में और भाई रोमन रेंस जीतते तो क्या थिंग डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबल कर सकती है तो भाई देखो रोमन रेंस से हम देख रहे हैं कि भाई रोमन जो है सारे के सारे जो है उनके सामने जब तक वो उन्होंने हील कैरेक्टर अपना निभाया है तब तक रोमरेस के सामने कोई भी आते हैं तो भाई रोमरेस पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं उस सुपरस्टार को और भाई हमने रेसलमेनिया के अंदर देखा था कि भाई किस तरीके से रोमरेस ने एज एंड डेनियल ब्रायन को भाई एक काफी तगड़े मैच के अंदर हराया था सबको लग रहा था चैंपियनशिप रोमरेस हार जाएंगे बट एंड अप पर रोमरेस ने चैंपियनशिप को जो अपने रिटेन किया अभी हमें सेम थिंग इस बार भी दिखाई दे सकती कि भाई रोमरेस जो है हरा दे इस बार जॉन सीना को और भाई एक काफी तगड़ा हमें जो थिंग होते हुए दिखा दे सकती है समरस्लैम के अंदर और भाई समरस्लैम मेन इवेंट के अंदर भाई रोमन रेंस के काफी बढ़िया फैंस है डब्ल्यूडब्ल्यू अगर उनको हेट भी कर रहे हैं फैंस बट के रोमन रेंस से काफी बढ़िया एज ए हील कैरेक्टर है और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू काफी बढ़िया रोमन रेंस फायदा पहुंचा रहे हैं और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहिए कि भाई रोमन रेंस को जो है वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप लॉस कराए और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का इस बार समरस्लैम जो रेसलमेनिया से बढ़कर इवेंट करवाना चाहती है उससे भी कई गुना बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाले है उनका नेक्स्ट ईयर आपको क्या लग रहा है आपके क्या ओपिनियंस है क्या रोमन रेंस को जीतना चाहिए या फिर जीतना चाहिए अपनी जॉन सीना को और बनना चाहिए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन आपके कमेंट सेक्शन के अंदर आपके अलग अलग ओपिनियन शेयर कर सकते हो बट कैसे आज की हमारी वीडियो बस ये तक ही आपको हमारी वीडियो को सकते हैं लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे आज की वीडियो बस आज के लिए बस इतना ही।